पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का किया ऐलान, मां को याद कर लिखा कि टूट चुकी है उनकी हिम्मत। विनेश के संन्यास के बाद समर्थन में आए बजरंग पूनिया, बोले ओलंपिक में आप हारी नहीं, आपको हराया गया है। फिर इससे अब विवादों में आए पहलवान अंतिम पंघाल, ओलंपिक में अनुशासनात्मक उल्लंघन का लगा आरोप। रेपो रेट ब्याज दर को 6.5% पर रखा गया बरकरार, RBI गवर्नर ने किया MPC के फैसले का ऐलान। मौद्रिक नीति समिति ने बैठक के बाद घोषित किए नतीजे, वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% रहेगी विकास दर। वक्फ बोर्ड के दो विधेयक लोकसभा में हो सकते हैं पेश, विपक्षी सपा समेत कई दलों ने विरोध का किया ऐलान। आज प्रवर समिति को भेजा जा सकता है वक्फ बिल, बदलेगा चेहरा बोहरा, आगा खानी के लिए होगा अलग वोट। मणिकम टैगोर ने संसद में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस, विपक्ष ने वक्फ बिल को संसदीय समिति को सौंपने की उठाई मांग। बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार की व्यवस्था नहीं, शपथ ग्रहण आज, संवैधानिक संकट में आ सकता है देश। अस्थायी सरकार के लिए करना होगा संविधान में संशोधन, सरकार की सलाहकार परिषद में हो सकते हैं 15 सदस्य। बांग्लादेश में ट्रकों में भरकर आ रहे लुटेरे मचा रहे उत्पात, घरों में लूट के साथ महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए किसी तरह की सुरक्षा नहीं, एक ने कहा 400 लोगों ने हमला कर सब कुछ किया खत्म। बांग्लादेश के बाद ब्रिटेन में भी हालात बेकाबू, नस्लवाद के विरोध में सड़कों पर लोग, हिंसा जारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, कोलकाता में 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सता रहा डर, बोले ट्रंप हारे तो आसानी से नहीं होने देंगे सत्ता हस्तांतरण। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मैदानी इलाकों के कई राज्यों में अभी बरसेंगे बजरा। टाओ स्थिति सेंटर हादसे की मजिस्ट्रेट जांच में खुलासा, MCD और फायर डिपार्टमेंट को ठहराया गया दोषी। यूपी के 25 जिलों में 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना, प्रदेश के 2/3 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 2027 तक 1.4 लाख करोड़ होगा USD का खुदरा बाजार, रिलायंस की सालाना रिपोर्ट में भारत सबसे तेज बढ़ता बाजार। पैकिंग मशीनरी का 1 अक्टूबर से पहले करें GST पंजीकरण, विफल रहने पर 1 लाख तक लग सकता है जुर्माना। दुनिया भर के ब्रांड के केंद्र के रूप में उभर रहा भारत, देश में 90% शीर्ष 50 वैश्विक लाइफ स्टाइल ब्रांड। लोकसभा केरल के बाद राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव, आयोग ने कार्यक्रम का किया ऐलान, 3 सितंबर की तिथि निर्धारित। चुनाव आयोग की टीम आज पहुंचेगी कश्मीर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। कॉफी चाय में कृत्रिम मिठास की थोड़ी मात्रा से हानि नहीं, मधुमेह रोगियों में सुक्रालोज पर हुआ पहला अध्ययन। भारत में 1.8 करोड़ लोग ऑटिज्म से ग्रस्त, दिमाग का तेजी से विकास बढ़ा रहा, विकलांगता का खतरा। गया पाल फंडों की निजी संपत्ति नहीं है विष्णु पद मंदिर, बिहार के गया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। रक्षाबंधन पर माता वैष्णो देवी के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 2 नई दिल्ली और 3री वाराणसी से जम्मू होगी रवाना। दिल्ली से मध्य प्रदेश जाने वालों के लिए भी विशेष ट्रेन, हजरत निजामुद्दीन से इंदौर के बीच यात्रियों की राह होगी आसान। सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन, राजस्थान में आदिवासी नेता के रूप में थी पहचान। गाजीपुर में कूड़े से गैस बनाने वाले प्लांट का रास्ता साफ, बगैर खर्च MCD की बढ़ेगी आमदनी, कूड़े का ढेर होगा कम। दिल्ली में फाइलों में सिमटी है PWD की कई परियोजनाएं, फंड की कमी बनी रोड़ा, अगले साल शुरू हो सकता है काम। जम्मू कश्मीर में स्थायी उत्पादों को जल्द मिलेगा GI टैग, कठुआ के बसोहली की लैब में होगी मानकों की जांच। इंस्पेक्टर संग पकड़ी गई थाना प्रभारी, मामले की जांच पूरी, अनुशासनहीनता के आरोपी बनाए गए 11 पुलिसकर्मी। ममता बनर्जी, केंद्र और राज्यों के बीच सौहार्द जरूरी, कहा तभी सुचारू ढंग से चलेगा शासन और प्रशासन। राज्यसभा में गर्भवती महिलाओं के लिए मां बाउचर योजना, प्रदेश के हर जिले में निःशुल्क मिलेगी सोनोग्राफी की सुविधा। नोएडा में पार्क में मृत अवस्था में मिला 68 वर्षीय बुजुर्ग, थाना विशरख पुलिस कर रही मामले की जांच। बिहार के नगवास में निर्माण कार्य का SDM ने किया शिलान्यास, 3.16 करोड़ की लागत से सरकारी भवन का होगा निर्माण। बिहार के हर लाखी में SFC का अनाज लदा मिनी ट्रक पलटा, 3 मजदूर घायल, उमगांव PHC में चल रहा है उपचार। दरोगा अमित मिश्रा समेत DCP सेंट्रल नोएडा पर बड़ी कार्रवाई, कैब चालक के साथ लूट की घटना को अंजाम देने का आरोप। लुटेरे दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा भी किया गया दर्ज, विसरख थाना प्रभारी और गौर सिटी चौकी प्रभारी हुए निलंबित। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता राजेश सिंह RJD में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समक्ष ली पार्टी की सदस्यता। किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों के साथ जगदानंद सिंह ने की बैठक, बोले किसानों की समस्याओं के लिए चलाएं जन जागृति अभियान।
सप्लीमेंट्री चार्ज दाखिल किए जाने के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बीजेपी का रूटीन वर्क। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की जनसुनवाई, बोले कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए झूठे आरोप लगाती है आरजेडी। सिल्वर मेडलिस्ट की तरह होगा विनेश का स्वागत, हरियाणा सीएम का ऐलान, वो हमारी चैंपियन। पेरिस में हॉकी टीम के कांस्य पदक की उम्मीद, तीसरे स्थान पर प्ले ऑफ मुकाबले में स्पेन से मुकाबला। ओलंपिक में मनु भाकर के बाद अमन सहरावत पर नजर, 57 किलोग्राम भार कुश्ती में दम दिखाएगा पहलवान। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से गोल्ड की आस, पिता सतीश चोपड़ा बोले पैतृक गांव खंडरा में उत्साह। 3000 मीटर स्टीपल चेज में 11वें स्थान पर रहे अविनाश सावले, भारत के पदक की उम्मीदों को लगा एक और झटका। पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकी भारत की मीराबाई चानू, कुल 199 किलो भार का वजन उठाकर पाया चौथा स्थान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।